नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बोर्ड परीक्षा से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा पे लगाया गया रोक। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बड़ा अपडेट यहां पर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है, इस समय उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। किस चीज को लेकर रोक लगाई है, क्या क्या अपडेट है, पूरा इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आप किस राज्य से हैं और साथ ही आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो अपडेट निकल कर आया है कि आपके 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर रोक लगा दी है। रोक लगाने का सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन क्लास। आपकी जो पिछले 9 महीने से ऑनलाइन क्लास लगाई गई थी, उसमें बच्चों का कहना है और उनके माता पिता का कहना है कि बच्चे यहां पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, यहां पर डिस्टर्ब होते रहते थे। जो पढ़ाई स्कूल के अंदर करवाई जाती है वो घर पर कभी भी नहीं हुई है। और इसके साथ साथ यहां पर सरकार ने जो एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है, उस पर भी रोक लगा दी गई है। मैं आपको बता दूं, जो आपकी है जो स्टडी थी, जो पेपर का नया तरीका यहां पर लॉन्च किया था, नया पैटर्न लाया थे, लेकिन यहां पर शिक्षा मंत्रालय को अपील की गई थी, जिसके बाद अपील करने के बाद आपका जो पैटर्न है अभी उसको लॉक कर दिया गया है। अभी आपका जो एग्जाम होंगे वो पुराने पैटर्न के हिसाब से होंगे। और मैं आपको एक चीज और यहां पर क्लियर करके दिखा देना चाहता हूं कि जो आप इस बार एग्जाम में सभी छात्र आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि यहां पर इस बार एग्जाम है जो इजीली आएगा, क्योंकि आपका 50% ही एग्जाम आएगा और वो भी आपके पुराने एग्जाम को आप रट लेते हो, जो पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं, उनको एक बार आप ध्यान से पढ़ लो, आप तब भी यहाँ पर पास हो जाए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2020 की और 2019 की, अगर आप उनके जो गैस पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर है, आप उनको एक बार स्टडी कर लो, तब भी आप यहाँ पर पास हो जाओगे। क्योंकि आपका यहाँ पर सरकार ने एक निर्णय लिया था कि इस बार है जो आपके एग्जाम होंगे उसका तरीके को चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी जो फैसला है कि कोई भी तरीका यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम पहले होते थे वैसे ही इस बार होंगे, जैसे पहले चेक होते थे इस बार इजीली चेक होंगे। और अगर किसी बच्चे के 5 या 10 नंबर कम रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर भी पेपर में कम आ जाते हैं, तब भी उसको पास कर दिया जाएगा। इससे बड़ा क्या अपडेट होगा। और यहाँ पे इजी आपका एग्ज़ाम आएगा और भी काफ़ी आपके लिए बेनिफिट्स हैं यहाँ पर इस बार हैं, जो ज़्यादा मात्रा में छात्र पास होंगे। जैसा कि 2020 में अच्छे छात्र पास हुए हैं और इस बार भी एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।